हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 8th क्लास का नेक्स्ट चैप्टर जो कि है एक्सपोनेंट्स। और एक्सपोनेंट्स को हम बोलते हैं पावर्स भी बोलते हैं। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स ऑफ अ रियल नंबर। तो पहली चीज है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स क्या होती है। पॉजिटिव इंटीग्रल्स पावर होती है अपने पास कोई भी एक रियल नंबर है ए, कोई भी एक रियल नंबर है अपने पास ए, कोई भी एक रियल नंबर ए है एंड अ पॉजिटिव इंटीजर एन है, तो a टू द पावर n, a पावर n को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि a को हम n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि a क्रॉस a क्रॉस a क्रॉस a क्रॉस n टाइम्स n फैक्टर तक हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि a टू द पावर n दे रखा है, a टू द पावर n दे रखा है, तो a क्रॉस a, और ये कितने टर्म्स तक चलता रहेगा, n टर्म्स तक चलता रहेगा। हमें नहीं पता n टर्म्स कितनी है वहां पे। अगर a टू द पावर वहां पे 3 दे रखा हो, a टू द पावर 3 दे रखा हो, a पावर 3, तो अपन किस तरीके से लिख सकते हैं a क्रॉस a, यानी कि अगर 3 दे रखा है a पावर 3, यानी कि a क्रॉस a हो जाएगा अपने पास। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि एक एग्जांपल है 2 पावर 3, यानी कि 2 पावर 3 को हम क्या लिखेंगे, यहां पे कितनी है पावर, यहां इसकी 3, यानी कि 2 को अपने को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराना है, यानी कि 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, रिजल्ट अपन को क्या मिल जाएगा 8। नेक्स्ट है 2/3 पावर, 2/3 पावर 3, यानी कि 2/3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराना है, क्या 2/3 क्रॉस 2/3 क्रॉस 2/3, यानी कि इसको हम सॉल्व करेंगे। चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि किस तरीके से होता है 2/3 क्रॉस 2/3 क्रॉस 2/3, किस तरीके से लिखते हैं अपन 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 अपॉन 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, यानी कि 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 कितना हो जाएगा 8, और ये क्या हो जाएगा अपने पास 27, तो क्या हो जाएगा 8/27, क्लियर। नेक्स्ट है नेगेटिव इंटीग्रल नंबर्स, कोई भी एक रियल नंबर है a और एक पॉजिटिव इंटीजर n है, तो a पावर माइनस n को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, a पावर माइनस n को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1/a पावर n, किस तरीके से होगा 1/a पावर n, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए यहां पे 5 पावर -3 दे रखा है, 5 पावर -3 अगर हमको दे रखा है तो हम किस किस तरीके से सॉल्व होगा 1/5 पावर 3 हो जाएगा अपने पास, और इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे 1/5 पावर 3, अब किसी की भी पावर 3 है, यानी कि 5 पावर 3 है, तो अपन 5 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, और 5 क्यूब क्या होता है, 5 का क्यूब क्या होता है 125, तो अपने पास रिजल्ट हो जाएगा 125। अगर हमको दे रखा है 3/2 पावर -2, 3/2 माइनस -2, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे 1/3/2 पावर 2, ये हो जाएगा अपने पास। तो इसको अपन किस तरीके से सॉल्व करेंगे 1/3/2 पावर 2 दे रखा है, तो क्या हो जाएगा 3/2 क्रॉस 3/2, और ये क्या हो जाएगा 1/3/2 × 3/2, क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 3/2 क्रॉस 2, तो ये अपने पास हो जाएगा 1/9/4, और इसको किस तरीके से लिख सकते हैं 4/9, तो ये अपने पास क्या होगा रिजल्ट इसका। नेक्स्ट देखते हैं हम कुछ लॉज पढ़ेंगे, लॉज ऑफ इंटीग्रल क्या होता है। फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि कोई भी एक नंबर है a टू द पावर m क्रॉस a टू द पावर n दे रखा है, क्या दे रखा है a पावर m क्रॉस a पावर n, यहां पे क्या है इन दोनों का क्या है बेस इक्वल है, यहां पे इन दोनों का क्या है बेस इक्वल, और कोई भी दो नंबर जिनका बेस इक्वल होता है और वो मल्टीप्लाई के अंदर है तो उनकी पावर्स क्या हो जाती है एड हो जाती है अपने पास, क्या हो जाती है पावर्स एड, तो क्या हो जाएगा a टू पावर m प्लस n, a पावर m क्रॉस a पावर n दे रखा है और बेस सेम है यहां पे दोनों का a, तो पावर्स क्या होगी उनकी डायरेक्टली एड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा a पावर m प्लस n। देखिए यहां पे एक 5 पावर 4 × 5 पावर 3 दे रखा है, तो क्या करेंगे हम 5 पावर इनका बेस क्या है सेम, तो क्या हो जाएगी एड हो जाएगी 4+3, यानी कि 5 पावर 7, ये अपने पास क्या होगा रिजल्ट होगा। सेकंड लॉ ये बोलता है a पावर m डिवाइड में है a पावर n, a पावर m डिवाइड में है a पावर n, दोनों का डिवीजन हो रहा है और दोनों का बेस सेम है, दोनों का डिवीजन हो रहा है और दोनों का बेस सेम है, तो उसको हम लिख सकते हैं a पावर m माइनस n, क्योंकि यहां देखिए
लास्ट हमने पढ़ा था a पावर माइनस एन क्या होता है, 1 अपॉन a पावर n, यानी कि इस a पावर n को हम जब ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये किस तरीके से हो जाएगा, a पावर m क्रॉस a पावर माइनस n, और ये a पावर m क्रॉस a पावर माइनस n क्या हो जाएगा, सिंपल ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा a पावर m प्लस माइनस n, तो ये क्या हो जाएगा a पावर m माइनस n, क्लियर। थर्ड लॉ अगर हमको बोलता है क्या बोलता है, देखो थर्ड लॉ ये है कि a b पावर n है तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस फॉर्म में, a पावर n b पावर n, और अगर किसी फॉर्म में a by b होल पावर n दे रखा है तो उसको हम ओपन करके a पावर n अपॉन b पावर n के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये है अपने पास थर्ड लॉ, ठीक है। एग्जांपल अगर हम देखें तो क्या होगा, 2 क्रॉस 3 पावर 3, तो हम इसको किस तरीके से लिखते हैं, 2 पावर 3 क्रॉस 3 पावर 3, इस तरीके से लिख सकते हैं। और अगर दे रखा है हमको 2 बाय 3 होल पावर 3, तो क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 3 अपॉन 3 पावर 3, इस तरीके से लिख सकते हैं, क्लियर। ये अपने पास है थर्ड लॉ। फोर्थ लॉ हमें क्या बोलता है कि कोई भी एक फॉर्मेट है a पावर n होल पावर m, उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, अगर इस तरीके से a पावर m होल पावर m पावर के ऊपर पावर दे रखी है ब्रैकेट के अंदर, तो क्या लिख सकते हैं a पावर n क्रॉस m, यानी क्या हो जाएगा a पावर n m, और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं a पावर m होल पावर n, किस तरीके से a पावर m होल पावर n, तो ये अपने पास है फोर्थ लॉ, क्लियर है। जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं 3 पावर 2 होल पावर 5, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 3 पावर 2 क्रॉस 5, यानी कि 3 पावर 10, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3 पावर 5 होल पावर 2, क्लियर है। तो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखिए एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p बाय q, उनको p बाय q फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है देखिए 5 पावर -3, बोल रखा है हमने a पावर माइनस n को क्या लिखते हैं 1 अपॉन a पावर n, तो 5 पावर अगर -3 है, 5 पावर -3 है, उसको किस तरीके से लिख देंगे हम 1 अपॉन 5 पावर 3, और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 5 पावर 3, 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5, यानी कि 1 अपॉन 120, क्लियर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम, -2 पावर -5, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए 1 अपॉन -2 पावर 5, क्यों a to the power -n है, उसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन a to the power n के फॉर्म में, और ये क्या हो जाएगा अपने पास 1 अपॉन -2 क्रॉस -2 क्रॉस -2 क्रॉस -2 क्रॉस -2, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32, लेकिन यहां पे जो है अपने पास नेगेटिव जो है ऑड नंबर्स के अंदर है, तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा माइनस के अंदर, तो क्या हो जाएगा -1 अपॉन -32। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हम, थर्ड क्वेश्चन है अपने पास 4 बाय 3 होल पावर -3, देखिए यहां पे फिर से क्या है, इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 बाय 3 पावर 3 के अंदर लिख सकते हैं, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4 अपॉन 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, इसको सॉल्व किया तो क्या गया 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4, यानी कि 4 का क्यूब क्या होता है अपने पास 64 अपॉन 3 क्रॉस 3, यानी 27, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 27 अपॉन 64। एक बार फिर से बता देता हूं वो किस तरीके से सॉल्व होगा, 1 बाय 1 दे रखा है डिवाइड बाय 64 अपॉन 27, इस फॉर्म में दे रखा है, उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1 into 27 अपॉन 64, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो आंसर मिलेगा 27 अपॉन 64, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, फोर्थ क्वेश्चन, -2 बाय 5
होल पावर माइनस फोर। तो ये किस तरीके से हो जाएगा अपने पास, वन अपॉन माइनस टू बाय फाइव होल पावर फोर। तो ये हो जाएगा अपने पास जब इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए माइनस का साइन है, मल्टीप्लाई होगा इवन टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा अपने पास फाइव बाय टू पावर फोर, और ये क्या होता है फाइव क्रॉस फाइव क्रॉस फाइव क्रॉस फाइव अपॉन टू क्रॉस टू क्रॉस टू क्रॉस टू। फाइव फाइव इज आर ट्वेंटी फाइव, फाइव फाइव इज आर ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर होता है अपने पास सिक्स टू फाइव अपॉन टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट टू जा सिक्सटीन। तो रिजल्ट आएगा सिक्स ट्वेंटी फाइव अपॉन सिक्सटीन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, वन अपॉन टू पावर माइनस थ्री। इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो किस तरीके से करेंगे, देखिए वन अपॉन टू पावर माइनस थ्री। अब क्या करना है इसको डायरेक्टली, वन अपॉन टू पावर माइनस थ्री है, देखिए वन अपॉन ए टू दी पावर माइनस एन को क्या लिख सकते हैं, ए टू दी पावर एन। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये डायरेक्टली ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा टू पावर थ्री। टू पावर थ्री क्या होता है, टू क्रॉस टू क्रॉस टू, यानी कि अपने पास रिजल्ट आ जाएगा एट। क्लियर। कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर ऑफ फॉर्म पी बाय क्यू। थ्री बाय एट फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, थ्री बाय एट पावर माइनस टू क्रॉस फोर बाय फाइव पावर माइनस थ्री। अब जब कभी भी देखिए डायरेक्टली अगर हम करें p बाय क्यू, ये क्या है एक तरीके से मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ही है, p बाय क्यू पावर माइनस वन। तो इसको हमने लास्ट क्लास चैप्टर के अंदर देखा था, p बाय क्यू की पावर माइनस वन जब भी दे रखी होती है उसको हम क्या लिख सकते हैं, q बाय p पावर वन। यहां पे क्या है थ्री बाई एट पावर माइनस टू, तो ये क्या है पी बाई क्यू, तो इसको लिख देंगे क्यू बाई पी, यानी कि एट बाय थ्री पावर टू क्रॉस फोर बाय फाइव पावर माइनस थ्री। ये किस तरीके से हो जाएगा, फाइव बाय फोर पावर थ्री, यानी कि एट क्रॉस एट अपॉन थ्री क्रॉस थ्री इंटू फाइव क्रॉस फाइव क्रॉस फाइव अपॉन फोर क्रॉस फोर क्रॉस फोर। ये टू टाइम्स, ये भी कितना टू टाइम्स, टू टू जा फोर, ये कैंसिल हो गया अपने पास। तो पीछे क्या बचा, फाइव क्रॉस फाइव क्रॉस फाइव कितना हो गया 125, और थ्री क्रॉस थ्री क्या हो गया 9। तो अपने पास आंसर आ गया 125 अपॉन 9। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हम, माइनस टू बाय सेवन होल पावर माइनस फोर क्रॉस माइनस सेवन अपॉन फाइव होल पावर। अब देखिए फिर से ये क्या है पी बाई क्यू के फॉर्म में, और यहां पे क्या है माइनस पावर, तो क्या करेंगे पी बाई क्यू को चेंज करके क्यू बाई पी के अंदर लिख देंगे, और पावर को क्या कर देंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा अपने पास सेवन बाय टू पावर फोर इंटू माइनस सेवन बाय फाइव पावर टू। अब देखिए यहां पे नेगेटिव साइन है और यहां पे क्या है इवन टाइम्स मल्टीप्लाई कराना है, कितने टाइम्स इवन टाइम, तो ये क्या होगा अपने पास डायरेक्टली पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलेगा। तो क्या लिख देंगे हम इसको, सेवन क्रॉस सेवन क्रॉस सेवन क्रॉस सेवन अपॉन टू क्रॉस टू क्रॉस टू क्रॉस टू। और ये भी देखिए यहां पे भी क्या है अपने पास नेगेटिव है, नेगेटिव को इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा अपने पास रिजल्ट पॉजिटिव सेवन क्रॉस सेवन, और ये क्या हो जाएगा अपने पास फाइव क्रॉस फाइव। अब जब अपने पास इतने बड़े पूरे को पूरे सॉल्व करना पड़ेगा तो हम क्या लिख देंगे डायरेक्टली सेवन 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 फोर टाइम्स एंड ये टू टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा सेवन पावर सिक्स अपॉन टू क्रॉस टू क्रॉस टू, यानी कि क्या है टू पावर फोर क्रॉस फाइव पावर टू। इतना भी करके छोड़ सकते हैं, क्लियर है, या फिर इसको आप सॉल्व कर सकते हैं टू पावर फोर, यानी कि कितना टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट टू जा सिक्सटीन इंटू ट्वेंटी फाइव, या फिर यहां तक करोगे तो भी क्या है सही है आपका रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई फोर पावर माइनस वन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए, सारे के सारे इजी क्वेश्चन है, फोर पावर माइनस वन क्रॉस थ्री पावर माइनस वन होल स्क्वायर।
अब 4 पावर माइनस 1, ए पावर माइनस एन क्या होता है, ए पावर माइनस एन 1 अपॉन ए पावर एन, तो लिख देंगे 4 पावर माइनस एन, तो क्या लिख देंगे 1 अपॉन 4 क्रॉस 1 अपॉन 3 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा अपने पास 1 अपॉन 4 क्रॉस 3 क्या हो जाएगा 12 स्क्वायर और 1 अपॉन 144, ये हो गया अपना आंसर, क्योंकि 12 का स्क्वायर क्या होता है अपने पास, 12 का स्क्वायर होता है 144, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, सेकंड क्वेश्चन, 5 पावर माइनस 1 डिवाइड 6 पावर माइनस 1 होल पावर 3, अब देखिए 5 पावर माइनस 1 क्या होगा अपने पास, 5 पावर 1 अपॉन 5 डिवाइड 6 पावर माइनस 1 क्या होगा 1 अपॉन 6 होल पावर 3। अब यहां क्या है डिवाइड, डिवाइड को सॉल्व करने के लिए हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर के अंदर कि यहां पे डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करके उनका रेसिप्रोकल करना होता है, तो क्या करेंगे अपन, देखिए यहां पे 1 अपॉन 5 इनटू 6 बाय 1 होल पावर 3, ये क्या हो जाएगा 6 बाय 5 होल पावर 3 और ये क्या है अपना रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए थर्ड क्वेश्चन है अपने पास, 2 पावर माइनस 1 प्लस 3 पावर माइनस 1 होल पावर माइनस 1, देखिए क्या हो जाएगा ये 2 पावर माइनस 1 क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 हो जाएगा, 3 पावर माइनस 1 क्या हो जाएगा अपने पास 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 और ये क्या माइनस 1, देखिए एलसीएम अपने पास क्या आ गया 6 आ गया। अब देखिए इसको 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 3 से और इसको भी 3 से, तो यहां पे क्या आ जाएगा 3 प्लस इसको क्या करना पड़ेगा 2 से और इसको भी 2 से, तो यहां क्या आ जाएगा 2 और ये क्या होगा अपने पास माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 5 बाय 6 होल पावर माइनस 1। अब देखिए 5 बाय 6 होल पावर माइनस 1 है, इसको पॉजिटिव के अंदर चेंज करना है तो क्या हो जाएगा 6 बाय 5 पावर 1 और किसी की भी पावर 1 क्या होता है वही चीज 6 बाय 5, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, फोर्थ क्वेश्चन, 3 पावर माइनस 1 क्रॉस 4 पावर माइनस 1 इनटू 5 पावर माइनस 1, अब देखिए 3 पावर माइनस 1 फिर से क्या लिखेंगे 1 बाय 3 4 पावर माइनस 1 1 अपॉन 4 क्रॉस 1 अपॉन 5, क्या हो जाएगा अपने पास 1 अपॉन 3 क्रॉस 4 क्रॉस 5, 5 4 जा 20, 20 इंटू 3 60, तो अपने पास रिजल्ट क्या जाएगा 1 अपॉन 60, क्लियर 1 अपॉन 60, यही क्या होगा अपना फाइनल रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट नंबर शुड 1 बाय 2 द पावर माइनस 1 बी मल्टीप्लाइड सो दैट प्रोडक्ट में बी इक्वल टू माइनस 4 बाय 7 टू द पावर माइनस 1, बोल रहा है कि एक नंबर 1 बाय 2 द पावर माइनस 1 में क्या मल्टीप्लाई करें हम कि उन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल हो माइनस 4 बाय 7 पावर माइनस 1, तो एक अपने पास नंबर है 1 बाय 2 पावर माइनस 1 और दूसरा नंबर हम x मान लेते हैं उसको मल्टीप्लाई कराया ताकि आपको उन दोनों के प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या मिले माइनस 4 बाय 7 पावर माइनस 1 मिले। अब देखिए ये क्या है इसकी पावर माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा चेंज रेसिप्रोकल कर देंगे इसका, तो क्या हो जाएगा 2 पावर 1 और 2 पावर 1 क्या होता है अपने पास डायरेक्टली 2 ही होगा, तो क्या लिख देंगे इसको 2 क्रॉस x इक्वल टू, अब ये क्या है पास ये भी क्या इसकी पावर माइनस 1, तो इसका भी क्या कर देंगे रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा माइनस 7 बाय 4, तो x की वैल्यू अगर हमको फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू अगर हमको फाइंड आउट करनी है तो यहां भी हमने क्या किया 2 से डिवाइड और यहां भी क्या किया हमने 2 से डिवाइड, तो क्या हो गया ये 2 से 2 कैंसिल हो गया x इक्वल टू क्या गया माइनस 7 बाय 8, डायरेक्टली कर सकते थे क्या था अपने पास 2 क्रॉस x इक्वल टू क्या होगा माइनस 7 बाय 4 था। अब इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इस 2 को अपन क्या डायरेक्टली इसके नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 7 अपॉन 4 क्रॉस 2, क्योंकि यहां 2 से 2 कैंसिल हो गया दोनों साइड अपन को डिवाइड कराना था तो इससे 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहां पे 2 आ गया, तो डायरेक्टली हम यहां से कर सकते हैं, क्लियर है अपना आंसर क्या है x की वैल्यू क्या है माइनस
सेवन बाई एट। जब माइनस सेवन बाई एट को 1 बाई टू होल पावर माइनस वन से मल्टीप्लाई कराते हैं तो अपने पास रिजल्ट ये मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय व्हाट नंबर शुड माइनस 15 होल माइनस 15 पावर माइनस वन बी डिवाइडेड सो दैट कोसेंट मे बी इक्वल टू माइनस 5 पावर माइनस वन। कि माइनस 5 माइनस 15 पावर माइनस वन को किससे डिवाइड करें हम कि कोसेंट में हमको क्या मिले, माइनस 5 टू द पावर माइनस वन। देखिए यहां पे माइनस 15 पावर माइनस वन को हम किससे डिवाइड करें, मान ले एक्स से डिवाइड किया हमने कि हमें रिजल्ट क्या मिले, माइनस 5 पावर माइनस वन। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन 15 डिवाइड एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन 5, यानी कि एक्स है ये दे रखा है और इसको x को हमें क्या करना है, डिवाइड के अंदर है, यानी कि इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड दे रखा है तो क्या करेंगे, इसको पहले मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, माइनस 1 अपॉन 15 इनटू और इसका क्या कर देंगे रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन x इक्वल टू 1 बाय 5। अगर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे हम डायरेक्टली, देखिए यहां पे x को क्या करेंगे उस साइड शिफ्ट कर देंगे तो ये ऊपर की साइड चला जाएगा, यानी कि इस साइड भी x से मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड भी x से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इस x से x ये कैंसिल हो जाएगा और यहां x चला जाएगा और इस 5 को इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो ये माइनस 5 है अपने पास, ये भी माइनस 5 है, तो किस तरीके से हो जाएगा फाइनल माइनस 1 अपॉन 15, इस 5 को जब हम उस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये यहां आके ऊपर की तरफ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो गया ये माइनस 5 इक्वल टू एक्स। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल, तो अपने पास आ गया 5 बाय 15 इक्वल टू x और x की वैल्यू फाइनल अपने पास आ गई 5 बाय 15 यानी कि x इक्वल टू 1 अपॉन 3। ये क्या होगा अपना आंसर। क्लियर? तो ये लेक्चर अपना यहीं पे खत्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से अपन इससे रिलेटेड एक्सपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।